हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की पांच सबसे अजीब और महंगी बाइक्स दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, बाइक आजकल की जनरेशन की एक पसंदीदा व्हीकल है। हर किसी के पास कम से कम एक बाइक तो जरूर होती है, और अगर यही बाइक दिखने में काफी अजीब और शानदार हो तो मजा दोगुना ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ऐसी अजीब बाइक्स दिखाने जा रहे हैं जिनको आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। हबलेस मोटरसाइकिल। इस बाइक को पहली नजर में देखने पर हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि इस बाइक का डिजाइन और इसके टायर बहुत ही अजीब हैं। हबलेस मोटरसाइकिल के नाम की इस बाइक में एयरक्राफ्ट का इंजन फिट किया गया है, जिसकी वजह से इस बाइक का डिजाइन काफी अजीब है। इस बाइक पर सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता है। हबलेस मोटरसाइकिल नामक ये बाइक अपने अजीब डिजाइन की वजह से कई सारे अवार्ड्स जीत चुकी है। ये बाइक जब सड़क पर चलती है तो हर किसी का ध्यान इसकी तरफ खींचा चला जाता है। इस अजीबोगरीब दिखने वाली बाइक का आविष्कार फ्रैंको सिवारो नाम के एक आदमी ने किया है। दोस्तों, इस बाइक के टायर कार के टायरों से भी कई ज्यादा गुना बड़े हैं, जो इसे दिखने में काफी अजीब और शानदार बनाते हैं। BMW फ्लाइंग बाइक। जमीन पर चलने वाली बाइक तो सबने देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी बाइक देखी है जो हवा में उड़ती हो? हाल ही में BMW ने ऐसी बाइक बनाई है जो जमीन और हवा दोनों जगह पर चल सकती है। यमहा मोटरोइड। इस बाइक को यमहा कंपनी ने डिजाइन किया है। ये दिखने में बिल्कुल एक रोबोट के जैसे ही दिखती है। इस बाइक में 3 नाइट्रोजन साइलेंडर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इसकी स्पीड 2 गुना तक बढ़ जाती है। दोस्तों, इस बाइक में वो सारी चीजें मौजूद हैं जिससे आपका सफर मजेदार हो। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो आपको ये बाइक जरूर लेनी चाहिए। BMW मोटर एडविजन। दोस्तों, अगर कभी मेरे पास इतना पैसा हुआ तो मैं इस बाइक को जरूर खरीदना चाहूंगा, क्योंकि ये बाइक दिखने में जितनी खूबसूरत है उससे ज्यादा इसकी स्पीड है। इसे चलाते वक्त आप हवा से बातें जरूर करेंगे। BMW ने इसे भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया है, लेकिन इसकी यही बात थोड़ी अच्छी नहीं लगती कि ये बहुत महंगी बाइक है और इसे सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। कावासाकी जे कॉन्सेप्ट। इस बाइक को 2013 में बेस्ट मॉडल होने का अवार्ड भी मिल चुका है। इसकी खास बात यह है कि इसमें दो नहीं बल्कि 4 पहिए लगे होते हैं। ऐसा इसलिए कि ये बाइक खराब जगहों पर भी बिना किसी परेशानी के चल सके। अगर आप किसी ऐसी जगह पर बाइक चला रहे हो जहां बैलेंस बिगड़ने का खतरा हो, तो आप इसके टायर्स को अलग करके 4 व्हीलर्स की तरह भी चला सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।